टाइगर 3 का इतिहास बनाने का इंतजार कर रहे सलमान खान के फैंस के लिए एक नई खुशखबरी है। टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग ने 2 दिन में बिके 3 लाख टिकट्स का रिकॉर्ड बना दिया है और इसकी बुकिंग अब भी जारी है, जिसमें अभी 4 दिन बचे हैं। दिवाली पर हो रही इस फिल्म की रिलीज ने बॉलीवुड में एक नया ऐतिहासिक कदम उठाया है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिवाली के दिन ही एक फिल्म रिलीज हो। यह सलमान खान के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है और फैंस बहुत उत्साहित हैं देखने के लिए कि इसे दर्शकों का कैसा प्यार मिलेगा। फिल्म की एडवांस बुकिंग के पहले 3 दिनों में 8 करोड़ के पार हो गई है और इसमें 2,88,515 टिकटें शामिल हैं। इसका मतलब है कि फिल्म ने पहले ही रिलीज से पहले ही 8 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इससे उम्मीद है कि दिवाली के दिन और भी धमाल मचाएगी। फिल्म के एक्शन को देखने के लिए महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इन राज्यों में 1 करोड़ के प्लस की कमाई हो रही है, जबकि गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना से लेकर यूपी तक 50 लाख रुपए से अधिक का बिजनेस हो चुका है। दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्मों में टाइगर 3 का रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 23 सालों में कोई भी फिल्म एडवांस बुकिंग में 20 करोड़ के पार नहीं गई है। इससे सलमान खान की टाइगर 3 को रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिल सकता है। फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए हमें इसे देखना होगा, लेकिन एक बात साफ है कि सलमान खान की टाइगर 3 दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचाएगी और रिकॉर्ड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। क्या आप तैयार हैं टाइगर 3 के लिए? दिवाली पर इस धमाकेदार एंटरटेनमेंट का इंतजार कर रहे हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और फिल्म के बारे में अपने ख्यालात साझा करें। इसी तरह की और बॉलीवुड समाचार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी नई अपडेट्स से अपडेट रह सकें। धन्यवाद और शुभ दिवाली।